भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया से ये रथ यात्रा शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी के श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे और तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी।